हाँ जी बेटा, फोकस। टुडे वी आर स्टार्टिंग क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 20.1 रिवीजन सरफेस एरिया ऑफ कोन TSA एंड CSA। हाँ बेटा, आई एम ऑडिबल? ओके, सो जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या गिवन है हमको? हमें निकालना है CSA। हमें क्या गिवन है? स्लेंट हाइट 60 सेंटीमीटर, रेडियस 21 सेंटीमीटर। कैन यू डू? क्वेश्चन फर्स्ट, वी नो पाई आर एल, जस्ट पुट करना है। एल की वैल्यू 60, आर की वैल्यू 21, आपको जस्ट पुट करनी है। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, गॉट इट? ओके, सेकेंड क्वेश्चन, हमें गिवन है रेडियस 5 सेंटीमीटर, वर्टिकल हाइट 12 सेंटीमीटर। हमको बताना है CSA। बेटा मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान दो, ये मेरा कोन है। हमें गिवन है रेडियस 5, दिस इज 5। हमको गिवन है वर्टिकल हाइट, दैट इज 12। इसमें क्या लगती है? पाइथागोरस थ्योरम, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, ऐड करोगे 169। किसका स्क्वायर है? 13 का। दैट मींस एल की वैल्यू हाउ मच? 13। क्लियर है? आर पता है, एल पता है, जस्ट पुट द वैल्यूज, यू विल गेट CSA। क्लियर है? क्वेश्चन टू। हाँ जी, क्वेश्चन टू क्लियर है? बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वेरी गुड, फोकस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या गिवन है? रेडियस हाउ मच? 7 सेंटीमीटर। CSA हाउ मच? 176। हमको क्या बतानी है? स्लैंट हाइट, बच्चों वाला क्वेश्चन है। पाई आर एल 176, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एल पता नहीं 176। क्लियर है? 7 से 7 कट, 22 गए ऊपर, कहाँ जाएगा? नीचे। यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। हाँ जी, गॉट इट? हाँ जी बेटा, गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो सभी, क्या गिवन है? हाइट की वैल्यू 21, हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ बेस। अरे बड़ा इजी है, ध्यान दो, एरिया ऑफ बेस हमें क्या गिवन है? स्लेंट हाइट 28। फोकस करेंगे सभी, कौन बनाया? क्या गिवन है? हाइट, दैट इज 21। अच्छा जी, और क्या गिवन है? स्लेंट हाइट, दिस इज 28। अच्छी बात है, पूछा गया है एरिया ऑफ बेस, इसका एरिया। हाँ भाई, कैसा बेस है? हाँ जी, कैसा बेस है? बेस की शेप कैसी है? बोलो, सर्कल। वेरी गुड, बेस की शेप कैसी है? सर्कल। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, मुझे चाहिए कहीं से क्या? आर। कैसे निकालेंगे? एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल की वैल्यू 28, 28 का स्क्वायर, आर स्क्वायर पता नहीं, एच की वैल्यू 21, 21 का स्क्वायर। क्लियर है? इसका स्क्वायर 784, इसका स्क्वायर 441, माइनस करोगे यू विल गेट आर स्क्वायर। क्लियर है? बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, इस वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर देना, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, सोल्व करोगे यू विल गेट द फाइनल आंसर। क्लियर है? हाँ जी, फोकस। क्या निकालना है? TSA क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, हमें ये निकालना है। क्या गिवन है? रेडियस की वैल्यू 6, हाइट 8। हाँ जी, आसान है? रेडियस 6, हाइट 8, ये कितनी आ जाएगी? 10। बाय यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम क्लियर है, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर 22/7 मल्टीप्लस 6 10+6 सोल्व करोगे यू विल गेट द फाइनल आंसर। क्लियर है? हाँ जी बेटा, फोकस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हमें क्या गिवन है? सी एस ए कितना गिवन है? 60 पाई इक्वल्स टू पाई आर एल। हमको क्या गिवन है? एल की वैल्यू हाउ मच? 8। एल गिवन है 8। क्लियर है? पाई से पाई कट, 8 गए ऊपर, कहाँ जाएगा? नीचे। यू विल कट एंड गेट द वैल्यू ऑफ आर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9, फोकस। सी एस ए गिवन है 4070 इक्वल्स टू पाई आर एल। हमें गिवन है डायमीटर 70, रेडियस 35। क्लियर है? नेक्स्ट क्या निकालनी है? स्लेंट हाइट। एल की वैल्यू इजी है, 4070 इक्वल्स टू पाई आर एल। क्लियर है? हमें बताना है एल। गोट इट? क्या करेंगे? 7 × 7 = 5। ये दोनों कहाँ हैं? ऊपर। ये दोनों कहाँ जाएंगे? नीचे। ओके, यू विल कट एंड गेट द वैल्यू ऑफ एल। क्लियर है? हाँ जी, गोट इट? क्वेश्चन नंबर 10, वेरी गुड। ध्यान दो सभी, क्या गिवन है बेटा? पढ़ो सभी। रेडियस और स्लेंट हाइट का रेशियो गिवन है 4:7। तो इसको भगा दो रेशियो को। आर की वैल्यू मान लो कितनी? 4x। और एल की वैल्यू मान लो हाउ मच? 7x। हमको गिवन है क्या सी एस ए? कितना है? 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पता है सी एस ए क्या होता है? पाई आर एल। 792 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 4x, एल की वैल्यू 7x, 792। क्लियर है? 7 से 7 कट, x इंटू x, x का स्क्वायर 792 एज इट इज। 22 ऊपर है, कहाँ जाएगा? नीचे। 4 ऊपर है, कहाँ जाएगा? नीचे। सभी बच्चे कट करो एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर कितनी आ रही है। स्टार्ट कैलकुलेटिंग, स्टार्ट कटिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। स्टार्ट कटिंग। वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर हाउ मच? वेरी गुड, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर की वैल्यू, वेरी गुड, द आंसर विल बी 9। यहां पे क्या है? स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर से स्क्वायर कट। एक्स की वैल्यू हाउ मच? 3। इसका मतलब है रेडियस 4 × 3 = 12, स्लेंट हाइट 7 × 3 = 21। हमसे क्या पूछा था? चेक करो सभी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा था? रेडियस। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर है? स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन नंबर 12। पढ़ो सभी, क्या गिवन है? फाइंड द रेशियो ऑफ सी एस ए ऑफ टू कॉन्स। हमको दो कॉन के सी एस ए का रेशियो बताना है। क्लियर है? सी एस ए क्या होगा? पाई आर एल, पाई आर एल। पहले वाला R1L1, दूसरे वाला R2L2। ठीक है, पाई से पाई कट, क्या आ गया? R1L1/R2L2। हमको ये बताना है कितना आएगा अगर, पढ़ो सभी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या गिवन है? डायमीटर ऑफ द बेसिस आर इक्वल। दोनों का डायमीटर बराबर है, D1 = D2,
डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। दो से दो कट, इसका मतलब दोनों का रेडियस क्या है? बराबर। R1 से R2 कट, कितना बचा? L1 बाय L2। अब हमें ये निकालना है, ध्यान दो आगे, फोकस। क्या गिवन है? स्लैंट हाइट की रेशियो 4:3। इसका मतलब हमें गिवन है L1 बाय L2 कितना है? 4:3। इसको पुट कर दो, यू विल गेट 4:3। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। फोकस, क्वेश्चन नंबर 14 एग्जैक्टली सेम, पढ़ो सभी। क्वेश्चन नंबर 14 हमको गिवन है डायमीटर इक्वल है, वो में गिवन था, हमको ये गिवन है स्लैंट हाइट की रेशियो कितनी है? 5:4। देखो हमने क्या ध्यान दिया था, अगर स्लैंट हाइट की रेशियो 4:3 है तो आंसर आया था 4:3। अब कितना गिवन है? 5:4, तो आंसर कितना आएगा? 5:4। क्वेश्चन इज सेम, बस वैल्यू चेंज कर रहा है, ठीक है? क्वेश्चन सेम है, जस्ट चेंज द वैल्यूज। क्लियर है? हाँ बेटा रीड करो, क्या गिवन है? क्वेश्चन 13, देयर आर टू कॉन्स, हमारे पास दो कोन है, हमने दो कोन बना लिए। आगे चलो, सरफेस एरिया ऑफ वन इज ट्वाइस द अदर, जो एक का सीएसए है वो दूसरे वाले का डबल है। हमने मान लिया पहले वाले का सीएसए क्या है? दूसरे वाले सीएसए का डबल। ये हमें गिवन है, पहले वाले का जो सीएसए है वो क्या है? डबल। दूसरे वाले का सीएसए, बताओ सभी क्लियर है ये चीज? स्टेप वाइज क्लियर है? सीएसए ऑफ वन इज ट्वाइस द अदर, क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट लाइन पढ़ो सभी, द स्लैंट हाइट ऑफ द लेटर, जो बाद वाले की स्लैंट हाइट है वो क्या है? डबल। किसका? पहले वाले का। अगर इसकी स्लैंट हाइट L है तो इसकी कितनी है? 2L। दिस इज द सेकंड पॉइंट, क्लियर है? जो बाद वाले की स्लैंट हाइट है वो क्या है? डबल। किसका? फॉर्मर, मतलब पहले वाले का, क्लियर है? हाँ जी, जो बाद वाले की स्लैंट हाइट है वो डबल है, किसका? पहले वाले का, क्लियर है? हमें क्या बतानी है? रेशियो ऑफ देयर रेडियस, हमें बताना है आर वन बाय आर टू। ध्यान दो, बिल्कुल इजी है, सी एस ए पाई आर एल, सी एस ए पाई आर एल। पहले वाले के लिए आर वन एल वन, दूसरे वाले के लिए आर टू एल टू। बताओ सभी ये क्लियर है? हाँ जी ये क्लियर है। पाई आर वन एल वन इक्वल्स टू पाई आर टू एल टू, क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, पाई से पाई कट, आर वन एल वन इक्वल्स टू टू आर टू एल टू। ध्यान दो सभी, L1 की वैल्यू कितनी है? L, और L2 की वैल्यू कितनी है? 2L। L2 की वैल्यू 2L, L1 की वैल्यू L, क्लियर है? L से L कट, कितना बचा? R1, क्लियर है? इक्वल्स टू 2 × 4, 4R2। मुझे निकालना है आर वन बाय आर टू, दैट इज 4:1, दैट मीन्स 4:1, क्लियर है? हाँ जी क्लियर है सभी को? हाँ जी बेटा रीड द क्वेश्चन, क्या गिवन है? द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ 10 मीटर हाई कॉनिकल टेंट, ध्यान दो, कॉनिकल टेंट के
बेस का सर्कमफेरेंस, बेस की शेप कैसी है? बताओ सभी, शेप कैसी है? बेस की शेप कैसी है? सर्कल, वेरी गुड। बेस की शेप कैसी है? सर्कल। सर्कल का सर्कमफेरेंस 2πr कितना गिवन है? 44 मीटर। ठीक है, हमको ये गिवन है इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो कितनी है? 10 मीटर। ठीक है, सोल्व करेंगे, r निकालेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई आर 44। क्लियर है? आर की वैल्यू 744, 222 नीचे आ जाएगा, 22 वन जा 2 जा 1 जा 1 जा, आर की वैल्यू 7 मीटर। बताएं सभी, ये सभी को क्लियर है? आर की वैल्यू 7 मीटर, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है? वेरी गुड। सभी ध्यान देंगे, जब टेंट को बनाएंगे तो आप सभी को पता है कपड़ा कहाँ लगेगा? ओनली गोल वाले हिस्से में। गोल वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? बता रखा है, बताओ सभी, गोल वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? गोल वाले हिस्से को, वेरी गुड, क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है? पाई आर एल। पाई पता है 22/7, आर पता है 7, बट एल नहीं पता। ध्यान दो, वर्टिकल हाइट 10, रेडियस 7, पाइथागोरस लगाओ, एल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, ऐड करेंगे 149। ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, कोई बात नहीं, रूट लगा दो 149। दिस इज द वैल्यू ऑफ एल। बताएंगे सभी, समझ में आया एल की वैल्यू? एल की वैल्यू क्लियर है? अरे बोलो बेटा, समझ में आया सभी को? वेरी गुड। हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू को पुट कर देंगे, 7 से 7 कट, 22 मल्टीप्लाई रूट ओवर 149 मीटर स्क्वायर। मतलब टेंट बनाने के लिए मुझे इतना कपड़ा चाहिए। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है? हाँ बेटा, क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कैनवस, हमें बतानी है इस कपड़े की लंबाई। अगर हमें क्या गिवन है? इसकी ब्रेथ कितनी है? 2 मीटर। हमें बताएं एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू रिक्वायर्ड एरिया 22 मल्टीप्लाई रूट ओवर 149। हमें क्या निकालनी है? लेंथ क्या गिवन है? ब्रेथ। ब्रेथ की वैल्यू 2, 2 का है मल्टीप्लाई में 2 का आ जाएगा डिवाइड में। एल की वैल्यू 22 मल्टीप्लाई रूट ओवर 149 बाय 2, 2 वन जा 2 11 जा 11 मल्टीप्लाई रूट ओवर 149। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? हम पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, सेम कंसेप्ट, एरिया ऑफ क्लॉथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ टेंट। क्लियर है? सो बेटा, इन दिस वे वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ सीएसए ऑफ कॉन। टुमोरो वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस। ओके।